चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद की, यानी कि माइका। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक ब्रोकरेज फर्म की, और ब्रोकरेज फर्म्स आपसे ब्रोकरेज फ़ी चार्ज करती है जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर जीरो था से अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जीरो ब्रोकरेज पे करनी होगी, यानी एकदम फ्री। और अगर आप इन्वेस्टिंग में एक बिगिनर हैं तो आपको 7 इन्वेस्टिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जीरोधा की तरफ से, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। माइका वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स है अपने पूरे देश में। चलिए अब इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। इसका अप्रूवल हमें AICTE के द्वारा मिला गया है। यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि AJ कृष्णामूर्ति ने 1991 में एस्टेब्लिश किया था। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और सबसे पास में जो सिटी है उससे इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। इसका एड्रेस है तेलव घुमा रोड शेला गुजरात। आगे बात करते हैं इसकी रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स की। यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स दिए जाते हैं रेजिडेंशियली, जिनमें से सबसे फेमस इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है PGDMC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस। फिर इनका फेलोशिप प्रोग्राम आता है जिसका नाम है फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। फिर इनका सर्टिफिकेट कोर्स आता है क्राफ्टिंग क्रिएटिव कम्युनिकेशन। फिर इनका एक और प्रोग्राम है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर में। चलिए यहाँ के स्ट्रीम्स की बात करते हैं। जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं ये 3 स्ट्रीम्स में दिए जाते हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, IT एंड सॉफ्टवेयर, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अब बात करते हैं माइकैट की। माइकैट है माइका एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको 3 नेशनल लेवल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में से किसी में भी एक में पार्टिसिपेट करना होता है, यानी कि कैट, जैट और GMAT में से एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और आपका जो फाइनल कंपोजिट स्कोर होता है उसमें 20% मार्क्स होते हैं आपके कैट, जैट या GMAT के, 30% मार्क्स होते हैं आपके माइकैट के, 20% मार्क्स होते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन के, और 30% मार्क्स होते हैं आपके प्राइवेट इंटरव्यू के। और अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। कट ऑफ में मैं आपको कोई एब्सोल्यूट डेटा नहीं दे सकता, मगर 51 प्लस स्कोर अगर आपका माइकैट में है और आपकी परसेंटाइल कैट या जैट की 78-85 है तो भी आपको कॉल मिलने के चांसेस हैं। और अगर आपका 55 प्लस एब्सोल्यूट स्कोर है माइकैट में और 70-78 परसेंटाइल है कैट या जैट में तो भी आपको चांसेस है कॉल मिलने की। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। पिछले साल का माइका में बैच स्ट्रेंथ था 180 बच्चों का, 100% प्लेसमेंट हुई है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज थी 78। यहाँ पे एवरेज सैलरी थी 11,60,000 पर साल और मीडियम सैलरी थी 12,50,000 पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी गई है 58.5 लाख पर एनम। अब टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ एक काफी अच्छा क्राउड मिला है बच्चों को, एमेजॉन, अमूल, एमवे, बजाज, कैडिला, CT, कॉस्मोस और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे विप्रो, सोनी, टाटा और सैमसंग भी आए थे। अब नोटेबल एल्यूमिनाइज की बात करते हैं। माइका का एल्यूमिनाई नेटवर्क वन ऑफ द बेस्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क्स माना जाता है सारे बिजनेस स्कूल्स में से। सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा शर्मा की, जो कि योर स्टोरी मीडिया की CEO और फाउंडर हैं। उसके बाद है रत्नाकर मणि, जो कि अमेजोन की रिसर्च और मैनेजमेंट में इंडियन लीड है। उसके बाद है अमूल गुरवारा, यह कंट्री मैनेजर है किंडल अमेजोन के, और शिरीश रॉथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेस्कॉम फाउंडेशन के। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक टेनिस कोर्ट है और इनके बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल काफी बड़े हैं। यहाँ पे 2 कैंटीन्स है। आप जैसे ही कैंपस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले छोटा कैंटीन आता है। फिर इनके क्लासरूम्स की बात करते हैं। इनके क्लासरूम्स का जो आर्किटेक्चर है वो काफी डिफरेंट है, काफी डायनामिक और मॉडर्न है। उसके बाद इनके जो वॉल्स हैं उनपे एक काफी इनोवेटिव काम किया जाता है। हर साल के बैचेस एक अपने हिसाब से पेंटिंग्स बना के जाते हैं, फिर जब नेक्स्ट बैच ग्रेजुएट करने वाला होता है तो उन वॉल्स को दोबारा व्हाइट वॉश किया जाता है और दोबारा पेंट किया जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर बात करते हैं माई कैनवस की। माई कैनवस माइका का एनुअल फेस्ट है जो कि इस साल अपने 18वें एडिशन में जाएगा। हर साल ये और भी बड़ा होते जा रहा है और मैनेजमेंट स्कूल्स में से वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट माना जाता है इंडिया में। अब फीस और स्कॉलरशिप की बात करें तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है PGDMC, उसमें 2 साल में आपके कम से कम 18,50,000 रुपए लग जाएंगे, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस और फैमिली इनकम के बेसिस पे दी जाती है। अब जरा स्कॉलरशिप्स पे और बात करते हैं। आपका स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और क्लास अटेंडेंस देखा जाता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती है, और उसके बाद आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है फैमिली की तो यह भी देखा जाता है, और उसके बाद आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके बैंक स्टेटमेंट सबको एनालाइज किया जाता है। फिर आपके बाकी भी कुछ अचीवमेंट है तो वो भी देखे जाते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस आता है। अब इसमें जितने भी बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं उन्हें इन्वाइट किया जाता है पहले, फिर उनके बाद उनका एनालिसिस होता है, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं एक स्पेशल कमेटी के द्वारा, फिर इन बच्चों से इंटरेक्शन
और इंटरव्यू किए जाते हैं। फिर इनके फाइनल रिकमेंडेशन होते हैं डायरेक्टर को, और उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नोटिफाई किया जाता है। ऐसी 11 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जिनमें पीजीडीएमसी के फर्स्ट ईयर में 5 स्कॉलरशिप्स, सेकेंड ईयर में 5 स्कॉलरशिप, और एक स्कॉलरशिप मिलती है सीसीसी प्रोग्राम में। और आपकी जो भी फीस है उसमें से इस स्कॉलरशिप में 30% डिस्काउंट मिलता है आपको। और इस कॉज के लिए इंस्टीट्यूट ने 20 से 25 लाख हर 11 स्टूडेंट को चोजन स्टैंडिंग में 2 से 2.25 लाख हर साल दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के तौर पे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप एक और इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, और तब तक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।